और इस साल के बेस्ट राइटर का अवार्ड जाता है एक बार फिर से रोहित खन्ना को। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उसके बाद मेरे पेरेंट्स, मेरी पत्नी जानवी, बेटी नताशा और बेटा हार्दिक। I love you, Papa. I love you too. Yes, sixth award. हार्दिक, हार्दिक क्या सोच रहे हो ये? लो खाओ, सैंडविच तुम्हारा फेवरेट है ना? क्या नाटक? नताशा, क्या ब्रेड के साथ खेले जा रही हो? तुम्हें भी अब मैं ही दूध पिलाऊं? इतनी बड़ी हो गई हो, चलो फटाफट दूध पियो। हम जानते हैं कि आप बहुत तरक्की कर रहे हो, आपके दो प्यारे बच्चे हैं, हम खून खराबा नहीं चाहते, सिर्फ 50 लाख। अगर आप हमारी शर्त मानते हैं तो अपनी बालकनी पर काले रंग का कपड़ा टांग दो, आप चाहें तो पुलिस के पास जा सकते हैं। रोहित एक फिल्म राइटर जिसने 12 साल कड़ी मशक्कत के बाद कामयाबी हासिल की, दौलत शोहरत चाहने वालों की एक लंबी फहरिस्त। रोहित कामयाबी के उस मकाम पर था जहां से अब उसे एक लंबी उड़ान भरनी थी, लेकिन तभी उसे लगा कि कोई उसके पर उतर रहा है। रोहित को मिला एक गुमनाम पत्र जिसमें उससे 50 लाख रुपयों की मांग की गई और यह धमकी दी गई कि अगर उसने ये पैसे नहीं दिए तो उसके परिवार की सलामती खतरे में। चिट्ठी भेजने वाले ने तो ये तक कह दिया कि रोहित चाहे तो ये खत लेकर पुलिस के पास जा सकता है, लेकिन किसने लिखा था ये खत? कौन था वो शख्स जो रोहित से जबरन 50 लाख रुपयों की उगाही करना चाहता? जाहिर है चिट्ठी में लिपटे इन सवालों ने रोहित को सन्न कर दिया। रोहित क्या है ये सब? हाँ, बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया, खुद ऑफिस नहीं गया और सुबह से ये लेटर लेके बैठे। फोन बज रहा है तुम्हारा। जानवी, ए, ए सुन, ए कौन है वहां? रुक। रोहित, रोहित कहाँ जा रहे हो? रोहित, अबे वो सुन, रोहित कहाँ जा रहे हो? अबे रोहित साले, तू ये ना अरे मेरे घर के दरवाजे पर लेटर छोड़ के गया ना। अरे भाई साहब, आप लोग कहाँ जा रहे हो? आप बोल, मैं बोल, ओ जल्दी से बोलना। क्यों आया रोहित? अजी कौन है ये? ओ ये तो मेरा ऑफिस बॉय है, और रोटी लेने आया है। रोहित क्या कर रहे हो? सॉरी सरदार जी, वो रोहित को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। रोहित पागल हुए हो क्या? चलो अंदर घर में चलो, यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हो तुम? रोहित अंदर चलो। ला। कमल, कमल जानवी, तुम जल्दी से घर आ सकते हो? कुछ मत पूछो, बस जल्दी से घर आ जाओ। हाँ, नमस्ते। ये कौन था? ये शर्मा जी के घर में रहते हैं। आज कौन कौन आए? जी 203, 203, 304। अच्छा, तुमने कोई ऐसा आदमी देखा जिसके हाथ में चिट्ठी थी? नहीं सर। कैसी ड्यूटी करते हो तुम? जी वो रोहित, लो पानी पियो और रिलैक्स करो। रोहित इतना परेशान होने की कोई बात नहीं, जस्ट अ लेटर। ये एक्सटॉर्शन लेटर है, एक्सटॉर्शन लेटर। इस लेटर में पैसे की मांग की गई है और ना देने पर बच्चों की जान को खतरा है। अंडरस्टैंड? रवि के 11 मिस कॉल। अरे तो फोन कर लो उसे। नहीं करना फोन, लेट हिम वेट। रोहित इस तरह से बिहेव करने से कैसे चलेगा? तो क्या करूं? बालकनी में जाके काला कपड़ा टांग दूं? रुको, क्या बात है दीदी, इतना अर्जेंट फोन करके क्यों आई? ये देख, तेरी चीचू को क्या लेटर आया है। ए, कहाँ जा रहा है? रोहित, मेरा हमारी मदद करने के लिए आया है, मैंने बुलाया है उसे। हाँ तो फिर ये काली टी-शर्ट पहनकर क्यों आया? क्या तुम्हारा मतलब है कि मेरा भाई सब में मिला हुआ है? तुम मेरे भाई पे शक कर रहे हो?
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? पागल हो गए हो क्या तुम? तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? ओके ओके, मैं देखता हूँ। कमल? कुछ नहीं जीजा जी, सामने वाले बिल्डिंग में जाके आते ना, देखते हैं कौन है जो काले रंग के कपड़े का सिग्नल मांग रहा है। हाँ चलिए। सही कह रहा है कमल, जाइए ना, कमल आपके साथ। डरिए मत जीजा जी, मैं अपने दो चार वर्कर्स को बुलाता हूँ। कमल मुझे ऑफिस जाना है, इम्पोर्टेंट काम है। ओ, पवन कुमार के साथ मेरा नरेशन है। कमल एक काम करना, तुम जानवी और बच्चों के साथ घर पे रहना है प्लीज, और कम से कम जब तक मैं नहीं आ जाता, ठीक है? फिरौती के उस खत ने रोहित को इस कदर दहशत ज़दा कर दिया कि वो हर किसी को शक की निगाह से देखने लगा। हालांकि रोहित में आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा था और यही वजह थी कि आज कामयाबी उसके कदम चूम रही थी, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसकी इस कामयाबी पर किसी की बुरी नजर भी थी। और उस बदनीयत इंसान ने रोहित से 50 लाख रुपए वसूलने के लिए निशाना साधा सीधे उसकी कमजोरी पर, उसके बच्चे। इंसान चाहे कितना भी बलवान हो, कितने हौसले वाला क्यों ना हो, लेकिन जब बात परिवार और खास करके बच्चों पर आती है तो वो पस्त हो जाता है, और यही हुआ रोहित के साथ। चाबी। थैंक यू। रोहित टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, जाओ। अब देखो एक काम करो, तुम अपने मोबाइल पे और बच्चों के मोबाइल पे स्पीड डायल पे 100 सेव करके रख दो। ठीक, मैं कर लूंगी। ध्यान रखना। मैं कर लूंगी, तुम जाओ। हमारी अगली फिल्म का जो सब्जेक्ट है ना, एकदम सॉलिड है सर, सॉलिड। और रोहित बाबू, से भी सॉलिड बात यह है कि पवन कुमार जी हमारी पिक्चर करने के लिए तैयार हो गए हैं। हाँ। तो रोहित बाबू कम ऑन, शुरू करो अपनी नरेशन, चक दे फटे। सर हमारी फिल्म शुरू होती है एक रेस कोर्स के मैदान से। ये क्या बात है, वाइड शॉट में रेस कोर्स में घोड़े दौड़ रहे हैं, टकड़ाक 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 टक, उनके पीछे धूल उड़ रही है, और तभी हम देखते हैं ट्रैक करके आते हैं हीरो के फेस पे, दैट्स यू। फेस पे आप दूरबीन लगाए अपने लाल रंग के घोड़े को दौड़ता हुआ देख रहे हैं, टकड़ाक टक। मेक इट ब्लैक, मुझे काला रंग बहुत पसंद। अरे रोहित, लाल या काला क्या फर्क पड़ता है, पवन कुमार जी को काला रंग पसंद है, काला घोड़ा सही, कम ऑन। श्योर सर। तो हम देखते हैं कि आपका काले रंग का घोड़ा दौड़ता हुआ आ रहा है, वहां दूर से जब काला कपड़ा जब दौड़ता हुआ आपके पास आता है। काला कपड़ा? अरे काला घोड़ा सर, काला घोड़ा। आगे आगे आगे। हाँ सॉरी, काला सर, जब वो काला कपड़ा जब मैं, हाँ, काले रंग का घोड़ा रेस कोर्स दौड़ता हुआ आ रहा है, हाँ, यस। आई एम सॉरी सर, सॉरी रवि जी, आई कांट टुडे। रोहित, कहाँ जा रहे हो? अब सॉरी रवि जी, आज मुझसे नहीं होगा। हैं? तुमसे नहीं होगा? अरे क्या कह रहे हो, तुमसे नहीं होगा? हैं? अरे याद है वो पत्थर की लकीर, तुम प्रिपेयर थे? ये प्रिपेयर? नहीं ना, मैंने कहा नरेशन दो, तुमने नरेशन दी और पिक्चर बनी और सुपर डुपर हिट, याद है ना? वैसे ही कुछ करो। गुड इवनिंग सर। अरे विनय, आओ विनय। अगर रोहित प्रिपेयर नहीं है तो मैं अपनी स्टोरी सुना देता हूँ। अच्छा, तू क्यों सुनाएगा? क्यों? हाँ, तू तो मुझे रास्ते से हटाना चाहता है ना। मैं क्यों चाहूंगा रास्ते से हटा? क्योंकि तेरा रास्ता साफ और तू मेरी जगह ले सके, इसलिए। रोहित घर जाओ, तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, डिस्ट्रेस करो अपने आप को, फैमिली के साथ टाइम बिताओ, जाओ जाओ। थैंक यू रवि जी। हनी सर, चाय पीते हैं, आ जाओ। हेलो रोहित, मैं रवि बोल रहा हूँ। ये कौन सा नंबर है? अरे भैया, मेरे फोन की बैटरी डाउन हो गई थी, मैं अपने वाइफ के फोन से तुझे फोन कर रहा हूँ। ये पवन कुमार की डेट्स मिल गई है? हाँ। क्या हो गया तेरे को आज? मूड तो ठीक है अभी तेरा? नहीं रवि जी, एक प्रॉब्लम है। वो क्या है कि
मुझे एक लेटर मिला जिसमें धमकी दी गई है कि अगर मैंने 50 लाख रुपए नहीं दिए ना तो वो बच्चों को कुछ भी कर सकते हैं। आई नीड हेल्प। अच्छा सुन, एक काम कर, अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर ले पहले, तब तक मैं विनय की कहानी सुना लेता हूँ पवन को। है देख भैया, पवन की डेट्स हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड, वेस्ट तो नहीं कर सकता ना मैं। चल मिलते हैं। क्या हुआ? रवि का फोन था, मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई तो बोल रहा है कि पहले अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, और विनय की कहानी पवन कुमार को सुनाने को बोल रहा है। हाँ तो ठीक है ना, प्रॉब्लम सॉल्व करो। इट्स नथिंग, ये तो आपके साथ किसी ने मजाक किया है। मजाक? पर इंस्पेक्टर ये मुझे मजाक नहीं लग रहा है। देखिए, मुझे बेस्ट राइटर का अवार्ड मिलते ही मुझे ये लेटर आया, इसका मतलब। हाँ, मैंने आपको टीवी पर देखा था। अभी आपकी कौन सी फिल्म चल रही है? देखिए, मैं आपके पास प्रॉब्लम लेकर आया हूँ और आपको आपको फिल्मों की पड़ी है। देखिए, मुझे ये लेटर आया है जिसमें मुझे धमकी दी गई है, मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। अरे यही चीजें तो आप कहानियों में दिखाते हो, और लोग फिल्में देखकर ही तो सब सीखते हैं ना। इंस्पेक्टर देखिए, मैं बहुत परेशान हूं, प्लीज हेल्प मी। ठीक है। अब ये कौन है? ये मेरा साला है। क्या आप 2 मिनट हमें बात करने देंगे? बिल्कुल सर। देखिए रोहित जी, अक्सर ऐसी केसेस में आसपास के लोग ही होते हैं जो आपको अच्छी तरह से जानते हैं, और वही ये सब करते हैं। और हाँ, हम लोग ऐसे लोगों को पकड़ते भी हैं, लेकिन आप घर वाले आकर ही पहले उनको छुड़ा लेते हो। अब आप सोचो, हम एक्शन ले या ना ले। क्योंकि इन आसपास के लोगों में आपका ड्राइवर, आपका नौकर या फिर आपका कोई असिस्टेंट भी हो सकता है, या फिर कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। क्या हुआ? जीजा जी, हेलो। मैंने सुना है तुझे एक्सटॉर्शन का लेटर आया। तेरी स्टोरी पे पवन काम कर रहा है ना, और तुझे क्या चाहिए? सिंपैथी मत दिखा। डूड, आई कॉल्ड यू टू हेल्प। मुझे पता है हम दोनों प्रोफेशनल राइवल्स हैं, लेकिन उससे पहले दोस्त हैं। ओके, तो ये बता, अच्छा तू है कहाँ? पुलिस स्टेशन। पुलिस क्या करेगी? मैं एक नंबर देता हूँ, उससे बात कर, उससे जाके मिल, वो तेरी हेल्प करेगा। ओके, और हाँ, वो तेरे इलाके का है। कौन? अल्ताफ। अल्ताफ? अरे आओ ना बिंदास, डरते काय को ले। अरे अल्ताफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत भाई लोग? अरे बाद में बात, विनय भाई ने बोला है सब ठीक हो जाएगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। 2 घंटे के अंदर वो बंदा तुम्हारे सामने खड़ा होगा जिसने वो खत लिखा। वालेकुम सलाम। क्या अभी मैं तुमको रफी भाई से मिला था? अरे ये एरिया में ढाक है उनकी, समझे क्या? सलाम वालेकुम भाई। खास आदमी, इसका काम आपको करना पड़ेगा। अरे ये काम कहीं शंकर तात्या का तो नहीं? ये इधर आना। अरे नहीं भाई, वो तो परसों ही जेल में जमा हुआ ना, रोहित भाई के बिल्डिंग के नीचे जो एटीएम है ना, उसने ही लूटा था। हो सकता है वो भी हो। भाई वो इंस्पेक्टर कह रहा था कि जब तक उसका पता नहीं चल जाता तब तक मैं वो गनमैन साथ में रख लूं, बट बहुत कॉस्टली है। पुलिस कुछ नहीं करेगी, पुलिस
चार पांच लौंडे भेजता हूँ, 24 घंटे तेरे घर पे निगरानी करेंगे। और हाँ, 5,000 रुपये महीना सिर्फ, चिंता मत कर, तेरे बच्चों के साथ रहेंगे। ये बच्चों के साथ रहेंगे? हाँ हाँ भाई, ठीक है, मैं सोच के बताता हूँ। अचानक रोहित की जिंदगी ही बदल गई थी। वो खुद को एक ऐसे चक्रव्यूह में पा रहा था जिसकी कल्पना शायद कभी उसकी कलम ने भी नहीं की होगी। रोहित को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़े तो किससे लड़े, दुश्मन सामने हो तो उस पर वार करने की या फिर उससे बचने की नीति बनाई जाए, लेकिन अगर दुश्मन अदृश्य हो तो? इस दुश्मन की एकमात्र पहचान वो खत, जिसे देखकर रोहित पागल हुआ जा रहा था। ये लिखावट देख रहे हैं आप? किसी ने ये उल्टे हाथ से लिखा है और ऐसा लगता है कि उसके हाथ कांप रहे थे लिखते समय। नहीं समझे? मैं बताता हूं। एक काम कीजिए, आप यहां पे क लिखिए, लिखिए लिखिए। अब इसी क को आप जरा उल्टे हाथ से लिखिए प्लीज। इन दोनों में फर्क देख रहे हैं आप? ये जो क आपने सीधे हाथ से लिखा है वो बिल्कुल ठीक है, और ये वाला क जो आपने उल्टे हाथ से लिखा है दाहिने ओर झुका हुआ है। कुछ समझ में नहीं आया। प्लीज आप बैठिए, मैं बताता हूं। देखिए मिस्टर रोहित, ये शख्स जिसने आपको लेटर लिखा है वो आपको बहुत अच्छी तरह से जानता है, लेकिन आपसे डरता भी है और उसकी कोशिश है कि आप उस तक न पहुंचे। उसकी साइकोलॉजी को समझिए, उसका मकसद सिर्फ आपको डराना है, ना कि पैसे मांग। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं, उसको जो भी करना था उसने कर दिया, रिलैक्स हो जाइए। लो भाई, हो गई तसल्ली, अब चलें। बट आई विल प्रेफर डोंट टेक इट इजी। और मेरी एक सलाह है कि होली में कोशिश करें कि आप और आपके बच्चे घर से बाहर ना निकले तो अच्छा है, क्योंकि ऐसे में अक्सर क्रिमिनल्स रंग लगा के आते हैं और क्राइम करके चले जाते हैं। ये क्या नाटक है? हाँ, ये होली कल है और इन्होंने देखो नाटक आज ही शुरू कर दिया। वो देखो वहां दूर, वो तीनों लोग सोसाइटी के नहीं लग रहे ना? हाँ जानवी, तुम यहीं रुको, मैं जरा देख के आता हूं। ए, कौन है तू? हाँ कौन है? और यहां सोसाइटी में क्या कर रहा है? और देख के हंस क्या रहा था? हाँ क्यों हंस रहा था? और रोहित, ओए मेरा भांजा ही, और ये पुणे से आया है यार। हम ऐसे लोग साथ नहीं रह सकते जैसा कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से हो। क्या बोला तू? मेरा कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से है, ये कैसे कह सकता तू? हम लोग को मालूम है कि आपको धमकी भरा खत आता है, इसलिए आप हमारे साथ नहीं रह सकते इस सोसाइटी में, और इनको यहाँ से निकालो। ए, कहीं नहीं जा रहा हूँ मैं सोसाइटी छोड़ के। मेरा साथ देने के बजाय तुम मुझे निकालने की बात कर रहे हो। आज मेरे ऊपर ये सब हुआ है, अगर तुम लोगों के ऊपर ऐसा कुछ आएगा ना तो क्या करोगे तुम लोग? रोहित बस बस रोहित, भाई साहब आप लोगों को हमारा साथ देना चाहिए और आप हमी को दोषी ठहरा रहे, शर्म आनी चाहिए आप लोग। चलो देखो जानवी, मैं होली पर रिस्क नहीं ले सकता हूँ। हाँ लेकिन होली को सिर्फ एक ही दिन बाकी, कुछ सोचा क्या करेंगे होली के दिन? क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा कहीं चला क्या? हाँ। वो मामा जी का लड़का है ना अनुज, उसके यहाँ चला? हाँ ठीक है, आप फोन कीजिए उसे। हाँ फोन करता हूँ। हाँ अनुज, रोहित बोल रहा हूँ। टेंशन में लग रहे हो, क्या हो गया?
वो क्या है ना अनुज, के दो दिन पहले एक लेटर आया था, उसमें ना ये लिखा है कि अगर मैंने उन्हें 50 लाख रुपए नहीं दिए तो बच्चों की जान को खतरा है। हम क्या सोच रहे हैं अनुज कि होली के दिन हम सब लोग तेरे यहाँ आ जाते हैं, हैं? यार वो क्या है ना, हम लोग शहर से बाहर जा रहे हैं शादी में। अच्छा क्या हुआ? लगता है डर गया। जो जो इंसान की शोहरत बढ़ती है उसके आसपास उसके चाहने वालों का एक हुजूम इकट्ठा हो जाता है। यही रोहित के साथ भी हुआ। उसे लगता था पूरी दुनिया उसे चाहती है और उसके हर सुख दुख में हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी, लेकिन सच्चाई से नकाब उठते देर नहीं लगी। जैसे ही रोहित की मुसीबत दुनिया के सामने आई, सब उससे दूर होने लगे और कुछ ही दिनों में उसने खुद को बिल्कुल अकेला पाया। जाने, रुको, मैं देखता हूं। हेलो, हाँ, कब? अच्छा ठीक है। नताशा कहाँ है? ट्यूशन गई है। क्यों, किसका फोन था? टीचर का फोन था। क्लास में अपना बैग भूलकर चली गई है और उसे क्लास से निकले हुए भी 1 घंटा हो गया। ये तो 6:30 हो रहे, वो तो 5:30 बजे तक घर आ जाती। क्यों भेजा तुमने उसे? तुम्हारी यही लापरवाही एक दिन बच्चों को नुकसान पहुंचाएगी। क्या करूं मैं? कहां चो? हाय पापा। कहां गई थी तू? तो चिल्ला क्यों रहे हो? मैं रश्मि के साथ इसके घर नोट्स लेने गई थी। तो फोन तो करना चाहिए था ना? कहां रह गई? पूछो इससे। शांत हो जाइए। क्या शांत हो जाऊं? मैं हर बार तो उसके घर जाती हूँ पर आज तक तो कभी फोन नहीं किया और ना ही आपने कभी पूछने की कोशिश की। रोहित अब एक धुंधली तस्वीर का पीछा कर रहा था। अपने अदृश्य डर पर काबू पाने की उसकी कोशिश उसे अपने ही परिवार से दूर करती जा रही थी। हालात पर काबू पाने की उसकी कशमकश उसकी हार में तब्दील होती जा रही थी। आखिर किसने रची थी रोहित के खिलाफ ये साजिश? अब तक फिरौती का कोई फोन भी नहीं आया था उसके पास। हर गुजरते पल के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। जिन्हें वो अपना समझता था वो तो एक झटके में पराए हो चुके थे, लेकिन कहते हैं जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब इंसान को एक ही शब्द का आसरा होता है, माँ। माँ? क्या हुआ बेटा? माँ वो क्या है कि बेटा अपने भाई से बात कर। क्या हुआ भाई? भाई सब ठीक हो जाएगा भाई, डोंट टेक टेंशन। हाँ मैं हूं ना, मैं अभी तेरे पास आ रहा हूं। तो आपने क्या सोचा भाई? साहिल देखो, अगर हमें ये लड़ाई लड़नी है ना तो यहीं रहकर लड़नी पड़ेगी। ठीक है, आपको लड़ाई लड़नी है तो शौक से लड़िए, लेकिन मैं भाभी और बच्चों को यहाँ से ले जा रहा हूँ। वहीं बच्चों के एडमिशन करवा दूंगा और आप चाहो तो अप डाउन करते रहना। नहीं रोहित, हम मुंबई छोड़कर नहीं जाएंगे। हाँ दीदी ठीक कह रही। क्या ठीक कह रही है? अरे डंडा क्यों नहीं चाहिए? हम इंतजार करें कि कोई आए और हमें मारकर चला जाए? इतना डर लग रहा है तो दे दो ना 50 लाख। तुझे इतनी जल्दी क्यों है 50 लाख रुपए दिलवाने की? रोहित बिहेव योरसेल्फ। कभी कभी ना मुझे इस पे भी शक होता है। रोहित क्या कहा आपने? क्या मतलब क्या आपका? कमल वही जो मैंने कहा वही मतलब है मेरा। रोहित बस करो। दीदी आज के बाद मैं इस घर में पाँव नहीं रखूंगा। हाँ हाँ तो रोका किसने? जाना। कमल सुनो, कमल कमल रोक, कमल मेरी बात, कमल। तो भैया मेरी बात मानिए तो आप लोग भी हम लोग के साथ चलिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने में हम सबको थोड़ा वक्त मिल जाएगा। सुनो हमारे अलावा किसी और को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ठीक है बच्चे लोग अपने चाचू को प्रमोश करो कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, किसी को नहीं बताओगे? प्रमोश चाचू। साहिल आकर रोहित और उसके परिवार को वहां से ले गया।
क्योंकि वो समझ रहा था कि ये जरूर किसी ने भद्दा मजाक किया है और ये सब कुछ सिर्फ रोहित के मन का डर है और इस डर को दूर भगाने के लिए उसे कुछ वक्त अपने परिवार के साथ बिताना चाहिए। वक्त बीतता गया, रोहित अपने परिवार के साथ खुश था और सब कुछ भुलाने की कोशिश कर रहा था। अब अगर उसे कोई फोन आता था तो वो किसी को भी नहीं बताता था कि वो कहाँ है। रोहित और उसके परिवार को अब यकीन हो चला था कि ये जरूर किसी की शरारत थी, लेकिन किसकी ये कोई नहीं जानता था। रोहित की जिंदगी में खुशियां वापस लौट रही थी, लेकिन क्या सचमुच सब कुछ ठीक ठाक हो गया था? आखिर उनकी इस खुशी की मियाद कितनी थी? कहाँ से कहाँ तक? हाँ हाँ पूरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा, सुना आंगन था जीवन मेरा, लिख दिया नाम इस पे तेरा। चलो अभी जरा टी ब्रेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, मैं सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। तो आगे का क्या सोचा है तुम लोगों ने? सोचा है कि बच्चों की एडमिशन ही करा देंगे, भैया मुंबई जाएंगे और भाभी भाभी भी यहीं रहेंगी। अरे क्या हुआ? इतनी मुश्किल से मुंबई में सब कुछ बनाया है, सब कुछ ऐसे छोड़ के आ जाऊं? देखो मुंबई में हम सबकी जान को खतरा है। रोहित कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं गारंटी देती हूँ। ओके? तुम गारंटी कैसे दे सकती हो? अपने आप पर भरोसा रखो, अपने परिवार पर भरोसा रखो। हम सब साथ में मिलकर लड़ेंगे, वी विल फाइट टुगेदर। ओके? ओके। पापा अब आपकी बेटी ना बड़ी हो गई है, तो प्लीज डोंट वरी, हम सब आपके साथ हैं। बड़ी हो गई देखा है। और वैसे भी अगर उस लेटर में जरा सी भी सच्चाई होती ना तो वो लोग यहाँ तक भी पहुँच जाते। कुछ नहीं हुआ ना, तो जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ। ओके? ठीक है, ऐसा करते हैं कि मैं आज ही निकल जाता हूँ और तुम लोग एक हफ्ते बाद आ जाओ। हाँ ओके, तब बुला लेता हूँ। हम जानते हैं कि आपने अपनी फैमिली को रांची भेज दिया है, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। आते ही तुम्हारे बच्चों को मार दिया जाएगा। अगर अपने परिवार के सलामती चाहते हो तो अगली बार 50 लाख लेकर अहमदाबाद रोड से जो रास्ता केलवा की ओर जाता है वहां पहुंचो। डेट और टाइम के साथ। अगर इस बार चुकोगे तो तुम्हारे बच्चे नहीं आ सकेंगे रांची से। आपको किसी पर शक? ये देखिए, अगर कोई आपका अपना हो तो भी हमें बता दीजिए प्लीज। इतना डर लग रहा है तो दे दो ना 50 लाख। तुझे इतनी जल्दी क्यों है 50 लाख रुपए दिलवाने की? छोड़ो मुझे, छोड़ो उसे अंदर। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये रिश्तेदार में बहुत बड़ी दरार है। चुप। इंस्पेक्टर साहब आप प्लीज शांत रहिए, ऐसे मामलों में ये रिश्तेदारी सबसे आगे रहते हैं। ये बकेगा, एक रात लॉकअप में रहेगा ना तो सब कुछ बकेगा। सिर्फ थोड़ी सी खातिरदारी करनी पड़ेगी हमें। जीजाई, जीजाई मैं कह रहा हूँ मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। जीजा जी बहुत नुकसान हो जाएगा। रोहित को मिले दूसरे खत से ये तो साफ हो गया कि ये सब मजाक नहीं था, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि खत भेजने वाले को ये कैसे पता चला कि रोहित और उसका परिवार मुंबई छोड़कर कहां जा रहे थे? जाहिर है ये बात सिर्फ घरवालों को पता थी। ऐसे में रोहित का कमल पर शक पुख्ता हो गया। उसे लगा कि जिस अदृश्य दुश्मन से वो अब तक डर रहा था वो कोई और नहीं कमल ही था। लेकिन क्या कमल की गिरफ्तारी उसके खौफ का अंत थी या मुसीबत अब भी मंडरा रही थी? रोहित तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुमने मेरे भाई को जेल भिजवा दिया, तुम उस पर शक कर रहे हो? अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती।
मैं बच्चों को लेकर यहाँ से जा रही। चल प्लीज मत जाओ। देखो देखो आई एम सॉरी, मैं माफी मांग चुका हूँ। जानवी मत जाओ। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी कंप्लेन वापस लेता हूँ। नहीं लड़नी मुझे ये लड़ाई। हो सकता है किसी ने मजाक ही किया हो। इसमें मेरी चेकबुक है, बैंक में कुछ 7 लाख रुपए हैं, शेयर सर्टिफिकेट्स हैं, पॉलिसीज हैं, और हाँ। ले, चीचा जी, ये चेन, हाँ, ये सब कुछ कुल मिला के 20-22 लाख रुपए होंगे। मेरी सारी जिंदगी की कमाई। चीचा जी, राइटर को इससे ज्यादा नहीं मिलते। तेरी बहन को सब पता है, हाँ? जा, सब ले जा, सब सब ले जा, जा। सरप्राइज। वाह, ये किसने किया? मैंने किया, थैंक यू। मैंने अपने 2-4 दोस्तों को भी बुला लिया है और मैंने दादी दादे को भी बुला लिया है। वाह नताशा, तेरा घर तो कितना बड़ा है। अपना बाकी का घर नहीं दिखाएगी? श्योर, चलो चलो। नताशा, ऐसे सबको घर नहीं दिखाते, दौलत की नुमाइश नहीं करते, नजर लग जाती है। नजर लग गई इस घर को, अपनों ने ही नजर लगा दी, सब छोड़कर चले गए। नताशा कब आए? आए नताशा, प्योर बैक। बहुत दिन हो गए अपना स्टेटस नहीं दिया। व्हाट्स गोइंग ऑन? हाउ इज योर फादर? इतने सारे मैसेज। हेलो हेलो जानवी, क्या है? कमल कहाँ है? जो तुम्हें करना चाहिए था वो करने गया है मेरा भाई। तुमने जो उसे पैसे दिए थे ना कमल, वो पैसे उस खत वाले को देने गया है। ठीक है, हेलो इंस्पेक्टर साहब। हाईवे से सीधे सीधे आना, हाँ। पहले दाएं और फिर बाएं। हाँ ठीक है, लेकिन अब मेरे पास सिर्फ 20 लाख रुपए ही हैं। चलेगा, सीधे फैक्ट्री पहुंच। अच्छा ठीक है, ओके। फोन लगा उसे। फोन क्यों नहीं उठा रहा? इनसे ट्राई करो। हाँ मैं पहुंच गया हूं। सीधा राइट मोड़,
वहां तेरे को एक बोर्ड दिखेगा फैक्ट्री का। हाँ दिखा। उसके पीछे बैग रख। हाँ रख दिया। और निकल जा। फोन लगा अपने दोस्त को। हेलो। हाँ नताशा, कहाँ है तू? अरे मैं अभी बैंगलोर में हूँ। पर कल तो तू यही थी ना? अरे मेरी मासी की तबीयत खराब हो गई, उनको हार्ट अटैक आया, इसलिए अर्जेंटली जाना पड़ा। पकड़ लो इन्हें। मैंने तुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड समझा था और तूने मेरे साथ ऐसा किया। कब? क्यों किया? बताना क्यों किया? नताशा, हाँ, अगर मैं नताशा के मैसेज नहीं पढ़ता तो मुझे तो कभी समझ में ही ना आता कि तुम्हारा ये दोस्त हमारी हर मोमेंट पे नजर रखे हुए हैं। इंस्पेक्टर साहब, चलो चलो इनको गाड़ी में डालो। चलो डाल दो गाड़ी में। I'm sorry, पापा। दादी माँ ठीक ही कहती है कि हमें किसी को अपना घर नहीं दिखाना चाहिए, नहीं तो नजर लग जाती है। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उन पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 के तहत मुकदमा चला और उन्हें 2 साल के लिए बाल सुधार गृह भेज दिया गया। बच्चे बाहर वालों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं और अपने घर की सारी बातें उनके सामने खोलकर रख देते हैं, और वो ये नहीं जानते कि इससे किसी की नियत भी खराब हो सकती है, जैसे कि हुई सीमा और मोहन की, और उन्होंने खेल डाला ये घिनौना खेल। अक्सर देखा गया है बच्चे अपने घर के कीमती सामान या फिर अपने ऐशो आराम से जुड़ी तस्वीरें खींचकर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर डाल देते हैं अपने दोस्तों की वाहवाही बटोरने के लिए, पर उन्हें ये समझ नहीं होती कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। इसीलिए हम सावधान करते हैं आप सबको कि अपने घर में आने जाने वाले लोगों पर खास निगाह रखें, क्योंकि इनमें से किसकी नजर आपकी कामयाबी पर हो कोई नहीं कह सकता। रोहित को अपने खोए हुए असाइनमेंट्स तो वापस नहीं मिल सके, लेकिन अपने परिवार के साथ की वजह से वो दोबारा इंडस्ट्री में कामयाब होने में सफल रहा। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी शुभकामना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान।